पहले वार्ता पे आई आशीष दालू, तो क्या हाल चाल, वार्ता में क्या हुआ वो भी बताएंगे आपको जितने भी साथी यूट्यूब लाइव में जुड़ रहे हैं सबको सबसे पहले जोहार। और अभी कुछ समय पहले अभी वार्ता के लिए गए थे, वो आए हुए हैं। और अभी वार्ता के लिए हैं, आए वार्ता से और क्या बात हुआ आप लोग को बताएंगे कुछ देर में सब लोग वार्ता। अभी वार्ता करके आ रहे हैं कुछ साथी और कुछ आए हैं, इसलिए अभी सब शांत बैठे हैं। क्या वार्ता में होगा वो आप लोग को पूरा लाइव में बताऊंगा किस तरह से वार्ता, क्या मांग था, क्या मांग मिला, कितना दिन में मिलेगा वो भी बताएंगे। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। अभी सब धीरे धीरे आ रहे हैं वार्ता से, जो कि बलियापुर थाना में हुआ वार्ता, वहीं से सब धीरे धीरे लौट रहे हैं। धन्यवाद दादा। थैंक यू। सब अभी शांति से चुपचाप बैठा हुआ मौन धारण जैसा सब कोई, और क्या होता है देखते हैं अभी। कितना लिया लाइव है 36 जो धीरे धीरे ये वार्ता का रिजल्ट कुछ ही समय में आने वाला है। कुछ खून में वार्ता का रिजल्ट भी आने वाला है और सब थाना से आ रहे हैं। अभी बलियापुर थाना में वार्ता हुआ, सिंदरी थाना में वार्ता हुआ, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा सब आप लोग को दिखाएंगे लाइव में। जल्दी से जल्दी जुड़िए, सब अभी शांति बैठे हैं। कोई साथी अभी पीछे थे, वो सब आने वाला है और कागज पत्र लेके आ हैं। और
इधर कागज वगैरह सब आ चुका है। सब क्या रिजल्ट निकला वही के लिए सब वेट कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। सब चुपचाप मौन धन खड़ा है, सब कोई वार्ता का डिसीजन के इंतजार में है। क्या वार्ता में क्या सक्सेस ना क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला है, क्या होने वाला है। बताने के बाद सब आके बैठा हुआ है, क्या वार्ता में हुआ वो भी आप लोग को पूरा लाइव में दिखाऊंगा। सब वार्ता के लिए इंतजार में, क्या रिजल्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई सब लाइव को। अभी सब कोई वार्ता के क्या डिसीजन हुआ वही के लिए सब रुका हुआ है। वार्ता के डिसीजन के लिए सब रुका हुआ है, क्या डिसीजन निकल के आया वो भी बताएं दिखाएंगे आप लोग को पूरा लाइव में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें भाई सब। जोहार जोहार। सब वार्ता के इंतजार में, क्या डिसीजन आया निकला क्या नहीं सब वही क्या इंतजार में है। सीधा से कोई निकलने का कोशिश कर रहा अभी वार्ता के लिए, मतलब आए हैं क्या वार्ता हुआ वो अभी तक डिसाइड मतलब यहाँ के बताया नहीं कौन जो जो गया था। कुछ कुछ साथी आया है और कुछ कुछ नहीं आया, वो सब आने के बाद पूरा क्लियर वार्ता का बात बताएंगे क्या कि किसको क्या मिला, कितना मतलब क्या क्या मान मिला क्या क्या नहीं, कितना दिन में होगा। और गेट वाला गर्म हो रहा पूरा गाली बोला, गेट खोलेंगे और पार होंगे अभी अभी गेट वाला आरसीसी वाला कर रहे हैं, सब गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि अभी तक वार्ता डिसाइड नहीं हुआ है। सब इधर आशीष मातो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। जोहार दादा जोहार। हाँ इधर सब मतलब अंदर से गाली गलौज कर रहे हैं उधर अंदर गेट के अंदर से, इसीलिए सब फिर से गर्म रहे हैं, गर्म हो जा रहा है।
अभी फिर से गर्म थोड़ा थोड़ा हुआ, एक अंदर से गाली गलौज आ रहा है, इसलिए सब उधर गए भैया लोग। इसका पास जाइए, आप गए थे अंदर करने के लिए बर्ताव के लिए जाइए भैया का। हाँ नहीं नहीं वो जो लाल पहन पी पकड़े हुए हैं ना फाइट, वो अंदर गया था ना बर्ताव के लिए। रुके थोड़ा देर बाद जा रहे हैं, क्या डिसाइड अभी पूरा बताएगा तब ना, तब लेंगे भी कुछ बोलेगा। उनको डिसाइड बनाता है ना जो फिर बताएंगे, तो फिर बोलेगा। किसी को नहीं बता रहा ना अभी, हमको थोड़ा ना जाने बताया। शंकर मेरे लाइट है ना, अरे शांति बना के सो रहा है। ऐसा है ना कि आज सबसे पहले गुहार और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जितना भी माय दादी जैसी दादा काका जैसा जितना सभी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत। देख हमारा आंदोलन तो शुरू होने सिर्फ 20 को मजबूर है, तो दोबारा जैसे सामने रखना चाहिए आंदोलन की शुरुआत है। जब तक ये कंपनी वार्ता नहीं करो तब हमारा मजबूरी नहीं, जैसे हमारा नहीं हमें गेट में जाम कर तब हमारा की है, तो हमारा मांग बढ़ा दी। हमारा पाँच को टोटल मांग 75% स्थानीय के रोजगार से जो रिटायर्ड कर्मी है जब मुआवजा बाकी है अपन मुआवजा अविलंब दे रहे। तीसरा चीज बोले 20 को मजबूत नहीं पूछा चाहिए ओकरा पुनः काम में बहाल करना। चौथा चीज है एफ सी आई द्वारा अवैध कब्जा करल रहा है जैसे जैसे वाटर वाटर आज सी एस आर फंड तहत से जितना भी प्रभावित पंचायत और सभी विकास तो तोरण यह है इतनी जटिल आंदोलन का जो हुए गेट जाम हमारा पहले बहुत सिचुएशन बहुत तरह से आए, बहुत ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आए। इतना को हमारा बहुत बड़ा जीत है, बहुत ऐतिहासिक जीत हलो कि आज तक तो जब भी धरना दल है सभी पता है तो कि कुछ ना कुछ यहाँ घटना हल तक बाद ऊपर एफ आई आर दर्ज हल है और मामला दर्ज मांग पूरा नहीं। तो आज उठिन जो हमारा अगर वार्ता हल तो वार्ता थोड़ा सा टेक्निकल इशू हमारा फाँसो हलिए कि कंपनी जो पहले ईटा लागू एस सी सी ए अडानी टेक ओवर कर रहा तो हमारा जो 20 गो मजदूर थे रोल तो 20 गो मजदूर रोलो एस सी सी की थी एस सी सी के अंडर अडानी का अंडर 9 तो ये लेते हैं बाज 9 क्योंकि एक लिए लाए थे ये अडानी कंपनी बाज 9 एस सी सी चूँकि ये एस सी सी की लागू एस सी सी से ले लेला। फिर भी हमारा बहुत सारा ये कहे जे हमारा जो अधिकारी जिला रोलो एस डी एम साहब रोलो बहुत कॉपरेट रोलो या कोई चतरा कार्य को अधिकारी हाँ सी पी एस पी साहब रोलो एखरानी मैंने वास्तव में एखरानी हमारा झारखंडी रोला तो एखरानी बहुत कॉपरेट रोलो
आजू के सब सिचुएशन का देखने का कारण ये सब सिचुएशन है कि लोग कुछ भी करे कितना पूरी बोलो तो जैन देखो लगे जो डीएसपी एलो मैंने अपने इतना पॉकेट खोल लो कि डीएसपी एलो और तुरंत एक एचआर मैडम से आकर पहुँचा पूरा गाला गली खोल ले अब जितना गेसू मजदूर जो है मजदूरों बाहर पहला गया तैयार हो लो कि किसी भी हालत में अपराध पर पथराव कर किसी भी तरह यहाँ लाठीचार्ज करा और किसी भी तरह आंदोलन के खत्म कर लेकिन क्या को हमरा नहीं अपन धैर्य रख लिए सभी बात मान ले सभी शांतिपूर्वक ही कर ले अड़ी रोल है तो हमरा पर जितना भी पाँच गो मांग रोलो पाँच गो मांगे चार मैडम रोलो और एक जो सिक्योरिटी हेड रोलो कंपनी पर एक पीछे वार्ता हलो एक नहीं बोलतूँ कि हमरा के जो है कौन बोलो डेढ़ से दो महीना का टाइम चाहिए डेढ़ से दो महीना के अंदर हम लोग आपका जो मांग है कुछ हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम लोग पत्राचार करके आपको ये आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं बहुत मतलब डेढ़ से दो महीना के अंदर हम लोग पूर्ण करें कहता है कोई क्या हमारा कहता है मैंने आज बात क्या इसका लिखित आपको कुछ कंपनी से मिला है? हाँ लिखित दिया है उसमें एचआर मैडम साइन किया है उनका जो सिक्योरिटी हेड है वो लेटर पेड में नहीं देगी जो ईसा भी होता वो देखिए इसमें जो था और एक चीज था दूसरी चीज देखिए हम लोग थे यहाँ से जो हम लोग गए थे वार्ता करने गए थे उसमें हम लोग पांच आदमी जो थे उसमें से चार मजदूर थे मजदूरों का भी राय हम लोग ना ये हमारा खुद का डिसीजन नहीं था क्योंकि देखिए हम जो यहाँ पे थे हम थे मजदूरों के हित के लिए आए थे मजदूरों का जो हित था उसके लिए हम लड़े उतना भी हम संघर्ष किए वो आप लोग देखे कि हम किस तरह संघर्ष किए रात दिन हम रहे उनके साथ तो मजदूरों का डिसीजन में जब उन्होंने अपनी बात रखा हम लोग बाहर निकले बाहर निकल के मजदूरों से पूछे कि आप लोग इस चीज से संतुष्ट हैं मजदूरों ने कहा कि नहीं ठीक है हम लोग इससे संतुष्ट बस यही है बात अच्छा एक बात मुझे आशीष साहब आपसे कहना चाहेंगे कि कंपनी का देखिए सिस्टम इतना कमजोर तो नहीं है कि आपको एक सादा करेज भी लिख के दे दिया एक एग्रीमेंट होना चाहिए एक बिल होना चाहिए तो मैंने टीम की तरफ से ये बोल रहे हैं जहाँ तक है ये भूल भुलावा वाला चीज है ये आशीष का हमको लगता है कि वैल्यू क्या बताइए भूल भुलैया है हम लोग रात भर बैठे उतना दिन बैठे तो और भी रात भर बैठे टाइगर डिसीजन टाइगर डिसीजन देगा तो भी काम होगा तो शांति से तोर मन में सवाल उठले पढ़िए जी पढ़िए हां पढ़िए जोर से पढ़िए एक मिनट वहाँ से दे रहे आज दिनांक 5/1/2024 को नियोजन एवं अन्य पांच सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन एसएससी प्लांट गेट जाम के संबंध में वार्ता संपन्न की गई, जिसमें एसएससी प्रबंधक को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को पूर्ण करने हेतु दी गई है। एसएससी प्रबंधन एचआर मानव संसाधन विभाग के द्वारा लगभग दो महीना के अंदर सभी मांगों को पूर्ण करने हेतु अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से पत्राचार एवं सभी आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। एसएससी प्रबंधक एचआर के द्वारा नियोजन देने के संबंध में सहयोग एवं आश्वासन के उपरांत आज दिनांक 5/1/2024 के संध्या से अनिश्चितकालीन गेट जाम धरना वापस लेता हूं। आशीष कुमार महतो और जो इन लोग चार मजदूर थे उनका साइन है आपका इधर देख लीजिए एसएससी एचआर फिलहाल जो 20 मजदूर को बैठाया गया है उसको तो अभिलंब ज्वाइन किया जाए नहीं तब जब 20 मजदूर को अभिलंब यदि नहीं ज्वाइन करता है तो हम लोग नहीं उठेंगे।
इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। वर्तमान 75% जगह हमारा है, 75% हम समर्थन करते हैं, समर्थन है। अभिलंब 20 मजदूरों को अभिलंब ज्वाइन होना चाहिए, ये तो कथा भी हम लोग। ठीक है, आपका बात सुन लिया, थोड़ा जवाब तो सुन लीजिए, थोड़ा जवाब भी सुन लीजिए। अरे भाई शांत रहिए, हल्ला मत कीजिए, सवाल का जवाब सुनिए, बैठिए धीरे धीरे। देखिए हम लोग जो ये जो हम लोग भर्ती दे रहे थे, जेबी केसेस के बैनर तले धरना दे रहे। हाँ ठीक है, टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देश पे ही सारा चीज हो रहा था। ठीक, किसी को इसमें शक है कि टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देश पे आज तक जो धरना चला उसके बिना हुआ ना? चला नहीं, नहीं, तो हो गया धरना। हाँ, तो जो भी हम लोग जो डिसीजन लिए सब टाइगर जयराम महतो के दिशा निर्देशानुसार ही लिए। अब आप लोग बताइए कि क्या करना, दिशा निर्देश से ही चलना है? दिशा निर्देश से बात, ठीक है, जयराम महतो के दिशा निर्देश से ही इतना आदमी खड़ा है, इतना आदमी जयराम महतो के आदेश से ही खड़ा है। लेकिन हम लोग का कहना है कि 20 मजदूर को अभिलंब ज्वाइन किया जाए, उसके बाद में बात का, उसके बाद वाला बाद में होगा। ठीक है, हमारे 1.5 महीना का समय है, 1.5 महीना का समय जो है वो 75% हम लोग ग्रामीणों के जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र ग्रामीण है, उसका होगा 75%। लेकिन 20 मजदूरों को अभिलंब ज्वाइन होना चाहिए। एक सवाल है, हमारा ध्यान से सुनो, वाला सवाल है कि छाता को एक बार घटना है, लो डीआरएम में बिकी के देलो सिग्नेचर रोल 20-20 लाख टका मुआवजा देतो, लेकिन देन नहीं करो, ये भूल नहीं है कारण है कि एकरा ने दे देतो। और दूसरी बात, जब 20 मजदूर की लड़ाई लड़ो ले, 20 मजदूर यदि यहां से नहीं जॉब एखन रहे तो के उठवे काहे कि अरे बार बेचे लाओ जेबी के सुसो बेचे परो। हां टाइगर कहे परालो, कुछ कहे परालो, बेचे पर जब तक 20 आदमी नहीं यहाँ ज्वाइन किया तो क्यों उठिया ना, क्या के एक बार सोभी ने साथ दे लो जेबी कैसे अकबर क्या साथ दे तो तरह के 20 मजदूर जब भूल भुला यहाँ क्यों एकदम फंसिया ना, जब तक यहाँ देतो नहीं तब तक उठिया ना। ठीक है, अडानी लला अडानी लोग अडानी अन्य जन एक मिनट दे ले ला ना, एक मिनट कह दे बोले 6 दिन आइला रिपोर्टिंग कर रहे तब देखा आज को होयो, और 20 मजदूर के यहाँ नहीं लेतो क्यों उठिया ना, यदि उठवे है तो अपन टेंगे कुल्हाड़ी मारो, 20 मजदूर कहा खड़ा हो, 20 मजदूर सामने आ पूछेगा ओकरा के। मीडिया प्रभारी जी आप एक बार, एक मजदूर हम है, इतना आराम से बोलिए, एक मजदूर हम है, रुकना ए हसीदा ऐसे नहीं बोले, आप इनका दावा दे सकते हैं कि 20 मजदूर का रखेगा सबने, आप दावा दीजिएगा, अब मत बोलिए, आप दावा अगर दे रहे, मैंने देखा है 20 लाख मुआवजा नहीं हो पाएगा। 2 महीना रुको, 2 महीना ले रहा कि नहीं, ये पेपर का कोई वैल्यू नहीं, वेदांता में हुआ, हम आपको इतना प्रूफ देते हैं, हमको जीबी से पूरा भरोसा नहीं मिलेगा, बस मैं नहीं, ठीक है, आपको आपको विश्वास है 20 मजदूर बोल दे तो ठीक है। हाँ हम मजदूर हैं, मजदूर है, मैं मीडिया प्रभारी अपने हिसाब से ठीक हो रहे, पूरा परिपक्व नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप सवाल जायज है, आप जो है आप बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, आप जो 20 मजदूर हाँ बस 20 मजदूर से सुन रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है, आप 20 मजदूर से तब पूछिए, हाँ तो खा के बोल रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है, भगवान विश्वास हो, विश्वास हो, सब वैसे जो 20 लोग डरा तो भगवान तो देखा तो सब बैठ जाए, 20 आदमी खड़ा रहे। सबके पैसे कोई ना मजदूरों को आपको है विश्वास दादा के ऊपर, हम लोग के ऊपर पूरा विश्वास है, हाँ पूरा है विश्वास, देगा कैसे नहीं, सबको बैठेगी पहले, अरे 1.5 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना कोई बड़ा चीज छोड़ना फिर जम करेंगे, खाएंगे खाएंगे।
देखा यहाँ से देखा असुविधा अरे है परिचय का थोड़ा गर्मा गर्मी चल रहा है कैसे अच्छे खाते हुए कुछ साथी रुके हम बोल रहे हैं आपको साकी।